हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में प्राइमरी वैकेंसी के लिए आप लोग सर्च कर रहे थे यहाँ पे और काफ़ी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की कि टेरी का फॉर्म आप लोग का फॉर्मेट देखना चाह रहे थे तो ये टेरी के फॉर्म का इस तरह का फॉर्मेट ये है ठीक है इसमें कुछ अलग है अगर आप कंपेयर करेंगे इसे कुमा मंडल से ठीक है तो गढ़वाल मंडल में कुछ बहुत अलग दिया है जैसे कि यहाँ पर पहला देखिए अभ्यर्थी और अभ्यर्थिन का नाम जो है अपने हिंदी में लिखना है फिर अंग्रेजी में लिखना है एक तो ये अलग है यहाँ पे और दूसरा आपको जो अलग मिलेगा वो मिलेगा कि जो बी एड प्रशिक्षित हैं वो अपना अभ्यर्थी गुणांक जो हैं भरेंगे यहाँ पे ठीक है जो दिया गया है इसके हिसाब से भरेंगे और बाक़ी सब लगभग बाक सेम है पेपर ठीक है इसमें जो भी फॉर्मेट है वो बाकी सेम है इसको आप कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए होगा फॉर्मेट तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा पिन कोड की भी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं पिन कोड भी आप लोगों के ले कर लाया हूँ अगर बात करें चमोली के पिन कोड की ठीक है अगर आप चमोली में फॉर्म भरना चाहते हैं तो चमोली का पिन कोड है आ, टू फोर सिक्स फोर जीरो वन चौबीस चौंसठ जीरो एक ठीक है ऐसे टिहरी का पिन कोड है आपका चौबीस इक्यानबे पिचहत्तर टू फोर नाइन वन सेवन फाइव ध्यान से देखिएगा उत्तरकाशी से अगर आप फॉर्म भरेंगे टू फोर नाइन वन नाइन थ्री क्योंकि वैकेंसी जो है हर ज़िले की आएगी तो उस हिसाब से आप लोग देखिए जहाँ आ चुकी हैं वहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो बनाया है बागेश्वर की अगर बात करूँ तो छब्बीस छत्तीस बयालीस का कोड है अल्मोड़ा का पिन कोड है छब्बीस छत्तीस जीरो एक और चंपावत का है आपका छब्बीस पच्चीस तेईस देहरादून का होता है चौबीस एट जीरो ज़ीरो वन ठीक है चौबीस आठ हज़ार एक अगर हम ऐसे बोलें नैनीताल का छब्बीस तीन हज़ार एक पौड़ी का है आपका चौबीस छः हजार एक काफ़ी इजी हैं ये कुछ पिन कोड पिथौरागढ़ की बात करें छब्बीस पच्चीस जीरो एक उधम सिंह नगर का जो पिन कोड है वो है छब्बीस छत्तीस सॉरी छब्बीस इकतीस अड़तालीस टू सिक्स थ्री वन फोर एट आप वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरें टू फोर सिक्स वन सेवन वन तो ये पिन कोड है रुद्रप्रयाग का इसके अलावा रुद्रप्रयाग में जो भर्ती है ठीक है उसमें अगर आप लोगों को विज्ञप्ति संख्या देखनी हो ठीक है रुद्रप्राग की विज्ञप्ति संख्या के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा ठीक है प्राथमिक शिक्षक फिर सेवन टू सिक्स फोर सिक्स सेवन विज्ञप्ति ठीक है इसको अच्छे से देख लीजिएगा दो हज़ार बीस इक्कीस इतना भर के आपने भेजना है चाहे तो जिस डेट को विज्ञापन आया था वो भी उसके आगे लिख सकते हैं लेकिन ये विज्ञप्ति संख्या मेरी ये है जैसे बेसिक सेवाएँ ठीक है फाइव वन सिक्स थ्री प्रेस विज्ञप्ति दो हज़ार बीस इक्कीस ये चमोली के लिए हो गया ठीक है पिथौरागढ़ की बात करें तो प्राथमिक शिक्षित दो चार सौ उन्नीस दो से दो हज़ार उन्नीस उन्नीस सौ पचास से तिरपन फिर दो हज़ार बीस इक्कीस टिहरी के लिए सेम है प्राथमिक शिक्षक दो पाँच सौ अट्ठावन विज्ञप्ति दो हज़ार बीस इक्कीस अल्मोड़ा के लिए प्राथमिक शिक्षक दो चार सौ उन्नीस दो हज़ार उन्नीस नौ नौ पाँच जीरो पाँच तीन दो हज़ार बीस इक्कीस ऐसे ही बागेश्वर के लिए प्राथमिक शिक्षक दो चार सौ उन्नीस दो हजार उन्नीस उन्नीस सौ पचास तिरपन दो हज़ार बीस इक्कीस ठीक है आपको बता दो कि कुमाऊँ के जिले हैं बागेश्वर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ ठीक है इन तीन जिलों के लिए जो है फॉर्मेट सेम है और रुद्रप्रयाग चमोली और टिहरी ये गढ़वाल के जिले हैं और इनके लिए अलग फॉर्मेट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के ठीक है तो वो फॉर्मेट को आप लोग बना लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो आ, तो आप लिंक में भेज सकते हैं ठीक है उसका चार्ज है क्योंकि उसमें टाइम लगता है ठीक है थर्टी रुपीज़ आपका फॉर्म का चार्ज है अगर आप लोगों को वो चाहिए तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं लिंक के माध्यम से अन्यथा आप लोग को मार्केट में वो ईजिली अवेलेबल हो सकता है अभी वैकेंसी आई हैं तो मार्केट में भी मिल जाएगा तो ये था मेरा अभी रीज़न वीडियो बनाने का ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द जो है इसकी जानकारी मिल जाए जो मेनली सर्च कर रहे थे ये चीज है ये मंडल का प्रारूप है अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो इसको देख लीजिएगा ठीक है इसी तरह से आपने लिखना है ठीक है यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या वगैरह लिखनी है ठीक है दिनांक चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं बाकी ये फॉर्मेट रहेगा इसका और इसमें जो भी है फिर आप अपना तथ्य वगैरह दे अपने साइन वगैरह कर सकते हैं ठीक है और गुणांक वगैरह इसमें दिया गया है गुणांक की भी बात कर देता हूँ गुणांक की मैं बात करूँ थोड़ा सा धुंधला यहाँ पर आ रहा है आप लोगों को सहायता दिखे ना तो मैं बोल देता हूँ अगर हाई स्कूल की मैं बात करूँ ठीक है यही गुणांक जो है आपको माम मंडल में भी देखने को मिलेगा हाई स्कूल में अगर आपके ठीक है जितनी परसेंट बन रही है मान लीजिए पचास प्रतिशत बन रही है हाई स्कूल में तो पचास गुणा कितना करेंगे ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव अपॉन टेन ठीक है फिर जो परसेंटेज आएगी उसको आपको इस खाने में लिखना पड़ेगा ठीक है ऐसे ही वन पॉइंट फाइव अपॉन टेन तो इतना आपको गुणांक मिलेगा मान लीजिए आपके साठ परसेंट है तो साठ का डेढ़ गुना बट्टे दस ठीक है ये मिलेगा आपको इंटर में ऐसे ही स्नातक में मान लीजिए सिक्सटी परसेंट है तो साठ का ढाई गुना सॉरी सवा गुना दो दो और सौ गुना दो दशमलव दो पाँच बट्टा दस ठीक है आपको मिलेगा बी वगैरह की बात करें चार ओर से क्योंकि डी और सी अगर डी एल देखें यहाँ पर छोड़ा हुआ है तो इनको ही नहीं बनना डी एल वालों के लिए नहीं है डी वालों को सीधे वरीयता दी जाएगी ठीक है उनके लिए कोई मेरिट नहीं बनेगी यहाँ पर लेकिन आपने अगर बी के विद्यार्थी हैं और ऊपर लिखा भी है कि बी एड प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं वो गुणांक बने केवल बी के प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं वही है यहाँ पर उन्होंने ही पढ़ना है ठीक है और चार वर्षीय जिन्होंने बी एल किया है या बी एड किया हुआ है एक वर्षीय ठीक है और या डी किया हुआ है शिक्षा शास्त्रीय विशेष शिक्षा में उनको तीन गुणांक मिलेगा अगर साठ है तो साठ गुणा तीन बट्टा दस उस हिसाब से उनके मार्क्स बनेंगे ठीक है फिर ऐसे ही प्रयोगात्मक में ये थ्योरी के मार्क्स हैं प्रयोगात्मक में डेढ़ गुना मार्क्स बनेंगे फिर जो सीट है ड्यू डेट है उसका केवल एक गुना है ठीक है मान लीजिए नब्बे मार्क्स आपके लाए हैं तो नब्बे गुना है एक नब्बे ग नब्बे अपॉन दस तो आपके नौ मार्क्स जो है यहाँ पर बनेंगे तो गुणांक आपका आ जाएगा नौ ठीक है ऐसे लिखना है आप लोगों ने तो इस तरह से कभी आपका कमेंट भी आया था फ्रेंड्स का कि दो हज़ार पाँच में भी हट किया हुआ है सात में किया हुआ है आठ में किया हुआ है तो क्या चांसेस हैं ठीक है तो चांसेस यहाँ से आप अपना कर सकते हैं अगर आपके हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज है ठीक है फिर मतलब हाई स्कूल में सबसे कम है तो चलेगा क्योंकि उड़ांग भी कम मिल रहा है जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ रही है देखिए उड़ांग ज़्यादा बढ़ रहा है इंटर में डेढ़ गुना मिलेगा ठीक है फिर दो दशमलव पाँच गुना मतलब अपॉन टेन तो होगा ही ये मिलेगा आपको ठीक है स्नातक में फिर आगे बी में तो उस तरह से आपके चांसेस हैं चांसेस आपके केवल यहाँ पे हैं अगर आपकी यहाँ पे परसेंटेज अच्छी है तो चांसेस बढ़ने वाले हैं ठीक है और ऊपर से आपके चांसेस इसलिए भी बढ़ेंगे कि जितनी जल्दी मान लीजिए किसी ने 2010 में किया है ठीक है तो उसको वरीता जी आएगी कि दो हज़ार चौदह के ऊपर ठीक है ऐसे ही और दो हज़ार सात का पूछा था आपने तो दो हज़ार सात में आपने वेट किया हुआ है तो जी हाँ वैसे ही आपको जो है 2010 से या 2008 से पहले आठ यानी आपके बाद जिसने भी किया आपको वरीता पहले मिलेगी बरसकते आपके परसेंटेज जो है यहाँ पे अच्छे होने चाहिए ठीक है तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे लेकिन अगर परसेंटेज 2010 वाले के अच्छे हैं और आपके परसेंटेज यहाँ पे कम है तो मार्क्स वहाँ पर ज़रूर आपको कम हो जाएंगे ठीक है वहाँ पर वरीता नहीं मिलेगी सीनियरटी वहाँ पर नहीं देखी जाएगी तो इस तरह का कुछ होगा और बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों को अच्छे से फॉर्म भरेगा कोई भी दिक्कत आए कोई भी परेशानी आए तो आपका अपना चैनल है कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं बस यह है कि बिना सोचे समझे कोई भी ऐसे कमेंट ना करें ठीक है कि क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मिल रही है वो नेट के थ्रू ही मिल रही है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है जैसा कि फॉर्म आया है फॉर्म को हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी एक इस तरह का भी आ रहा है कि सारे जिले भर रहे हैं क्योंकि मैं खुद ही अभी पोस्ट ऑफिस गया था और कई मित्र लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो तो सारे ज़िलों से भर रहे हैं अभी अदर जिले के फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हमें भरना है या नहीं भरना है तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं ठीक है किसी भी ज़िले का कोई भी भर सकता है अभी ऐसा क्योंकि इसमें अभी किस्पिति में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि केवल उसी जनपद के जो निवासी हैं उसने भरना है ठीक है तो आप भर सकते हैं बाद में जो भी करेंगे प्रोसेस तो मुझे लगता है जनपद व अपने अपने जनपद में जिसकी मेरिट बनेगी उसका सिलेक्शन होगा ठीक है तो उस तरह का कुछ ये है और डी एल वालों के लिए मेनली मतलब तो हंड्रेड परसेंट चांस है श्योर चांस है क्योंकि यहाँ पे उनकी मेरिट भी नहीं बन रही है डी एल जिसने किया है उसको बताई जाएगी हाँ पी एड वालों के लिए यह है कि आपस में उनको कंपटीशन जरूर होगा ठीक है तो उस हिसाब से आप लोग देखिए कितने कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से फॉर्म को भरिए ठीक है कोई भी क्वैरी हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसमें आज सॉल्व हो जाएंगे ठीक है और फिर मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी इस फॉर्म को भर सकता ठीक है क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस में मैं गया था तो वहाँ पे जितने भी मित्र लोग हैं अन्य लोग हैं वो सारे ज़िलों का जितने ज़िलों की वैकेंसी अभी तक आ चुकी हैं उन्होंने पाँच पाँच छः छः फॉर्म जो है आज भेज दिए हैं पढ़ के तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला था ठीक है तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहेगा आपके किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो अगले एजुकेशनल वीडियो हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए थैंक यू